नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। नजर डालेंगे बांदा की खबर। बांदा में अमन त्रिपाठी की हत्या का खुलासा न होने से लोगों में आक्रोश और बढ़ गया है, जिसके चलते समाज सेवी व राजनीतिक लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। एक हफ्ते पहले नदी में मृतक अमन त्रिपाठी का शव मिला था, लेकिन आरोपी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। आक्रोशित लोगों ने पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। आपको बता दें, पूरा मामला बांदा जनपद के शहर कोतवाली अंतर्गत का है, जहां बीते एक हफ्ता पहले अमन त्रिपाठी नामक युवक की नदी पर लाश मिली थी। इस घटना से लोगों में हड़कंप मच गया था। अभी तक घटना का खुलासा पुलिस के द्वारा नहीं किया गया है, जबकि मृतक की मां बीजेपी की नेत्री है। आज तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। इसी बात से देर रात से ही विरोध प्रदर्शन होने लगे थे। आज सुबह भी लोग सड़कों पर अमन त्रिपाठी को न्याय दो व सीबीआई की जांच कराने व हत्यारों को सजा दो के नारे लगाते हुए प्रदर्शन करने लगे। अमन त्रिपाठी के माता पिता व शहर के तमाम राजनीतिक संगठनों ने निकलकर इसका विरोध किया है। विशेष रूप से विरोध पुलिस प्रशासन का दिखा, जहां लोगों ने बांदा कोतवाल और बांदा पुलिस अधीक्षक के मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। बांदा से अल्तमश हुसैन की रिपोर्ट। मार डाला, पता नहीं लिवा जाके मार डाला। कौन लोग? फल लेने भेजा था, फल लेने के बाद वो लौटा नहीं है। बता रहा था पहले मुझे सम्राट का बर्थडे है, मैंने कहा था नहीं जाना है। अब पता नहीं, अब वो बर्थडे में फिर बाद में पुलिस के द्वारा ही पता चला कि ये सब पार्टी में गए हुए थे। मुझे कुछ पता नहीं था कि ये पार्टी में गए हैं। क्या लगता है? किसी का पता नहीं है, सिर्फ एक सम्राट ही मेरा दोस्त था जो बन जाता था, और मैं किसी को नहीं जानता। उनका कहना है